वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। WWE कई हफ्तों से भारतीय मूल के रेसलर वीर महान के डेब्यू के संकेत दे रही है और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही वीर अपना डेब्यू कर सकते हैं। रॉ के हालिया एपिसोड में एक बार फिर कुछ वैसा ही वीडियो दिखाया गया जैसा कि पिछले कई एपिसोड के दौरान दिखाया जा चुका है। इस वीडियो में वीर को कई अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है। इसके अलावा एक वीडियो पैकेज भी तैयार किया गया है जिसमें वीर की ताकत का प्रदर्शन किया गया है और दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने WWE के मेन इवेंट में शक्तिशाली मूव्स का इस्तेमाल किया है। अब एक हालिया वीडियो की सबसे रोचक बात यह है कि इसमें महान यह घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लंबे समय तक टीवी से दूर रहने के बाद उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। हालांकि वीर के रॉ में वापसी के लिए फिलहाल कोई तारीख तय नहीं की गई है और वीडियो के अंत में केवल इतना बताया गया है कि भारतीय सुपरस्टार रॉ में आने वाले हैं। इस बारे में वीर ने कहा है, मैंने एक शेर की तरह धैर्य दिखाया है, इंतजार किया है और अपने समय का इंतजार किया है। अब शिकारी की प्रार्थना सुन ली गई है और जल्द ही मैं हमला करूंगा। बताते चले कि वीर ने पूर्व WWE चैंपियन जिंदर महल के सहयोगी के रूप में शैंकी के साथ अपना मेन रोस्टर डेब्यू किया था। रॉ में वापसी से पहले ही WWE ने वीर महान की टेपिंग को पिछले महीने ही मेन इवेंट में इस्तेमाल किया था। हाल ही में शो के लिए लेटेस्ट टेपिंग की शूटिंग के दौरान उनकी फोटो भी सामने आई थी। रेसलिंग में करियर बनाने से पहले वीर महान, जिनका असली नाम रिंकू सिंह है, बास्केटबॉल खेला करते थे। हालांकि चोट के कारण उनका करियर ज्यादा आगे नहीं जा पाया। उन्होंने पूरा 2014 और 2015 सीजन मिस कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक WWE में वीर महान की वापसी देखने को मिलती है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स।